My dear friends, in this video lecture we will learn about could have. Could have के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे आज. तो could have की मीनिंग क्या होती है और कैसे इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर can बोले तो can का मतलब तो होता है सकना. can means क्या होता है? सकना. जैसे आप बोलते हैं कि I can go, मैं जा सकता हूँ. I can do it, मैं इसे कर सकता हूँ. I can play cricket, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ. I can speak English, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. I can make sentence, मैं sentence बना सकता हूँ. ये तो अब can का यूज है. और can का पास जो होता है could होता है. जैसे हम narration बनाते हैं direct indirect, तो उसमें can अगर जब reporting verb past tense में होती है तो can का past could वहाँ पे हम यूज करते हैं. तो जैसे आपने कहा मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सका. I could not attend your party. तो ऐसे आप could not का यूज करते हैं. बट यहाँ पे हम can could ना सीख के यहाँ पे could have के बारे में सीखेंगे. तो देखिए could have को कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम. यहाँ पर could have के साथ हम यूज करेंगे v3, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. तो ये could have प्लस v3 हमने यहाँ पे लिखा है. सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो ये could have v3 है. सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ये आएंगे आएंगे, क्योंकि सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में तीन चीजें मेन होती हैं. एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया था लास्ट वीडियो में, कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO. तो इसी बेस पे हम सेंटेंस बनाते हैं. तो could have v3 के बारे में आपको ऐसे याद रखना है, could have v3. could have v3 means सकता था. सकता था कैसे यूज करेंगे? सकता था. ये हमारे जो है इसकी पहचान होगी. आइडेंटिफिकेशन अगर बोले या इंडिकेशन बोले तो सेंटेंस की होगी, तो वो सकता था यूज होगा. जैसे सकता हूं तो हमें पता है कैन में हम यूज करते हैं. तो सकता था अगर हम यूज करेंगे तो कुड हैव प्लस वी थ्री का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. अब थर्ड फॉर्म के लिए जैसे आपको, जैसे आपने वर्ब याद की होंगी या वर्ब आपको पता होंगी, तो जैसे हम क्या करते हैं, स्पीक, स्पोक और स्पोकन, ये हमारी थर्ड फॉर्म जो होती है स्पोकन होती है. ऐसे ईट, एट, ईटन, ईटन जो है थर्ड फॉर्म होती है. राइट, रोट, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म होती है. टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड थर्ड फॉर्म होती है. तो इस टाइप से हमारे जो थर्ड फॉर्म है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इसको. कैसे इसमें सेंटेंस बनाएंगे? हम कहेंगे, जैसे आप कहना चाहें किसी से, आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सकते थे. तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? देखिए, आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सकते थे. ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे बता सकते थे, हम यहां पे बना देंगे इसको, आप मुझे बता सकते थे. ये सकते थे है यहां पे, थोड़ा सा यहां पे ब्राइटनेस यानी कि लाइट की वजह से यहाँ पे चमक टाइप की हो रही है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है सकते थे. तो आप मुझे बता सकते थे, कैसे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, आपके लिए यू लगा लेंगे सब्जेक्ट. ठीक है, कुड है, यू कुड है, यू कुड है. अब बताने को बोलते हैं टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड. यू कुड हैव टोल्ड मी, आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सकते थे. यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है, अब अगर बात करें, आप वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर. मैं हिंदी ना लिख के आप इंग्लिश में डायरेक्ट सेंटेंस बता रहा हूं, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, आप वहां जा सकते थे. आप अंग्रेजी सीख सकते थे, यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश, यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते थे. आप गणित के सवाल हल कर सकते थे, यू कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, यू कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स. इसके अलावा आप अंग्रेजी बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आप सेंटेंस बना सकते थे, यू कुड हैव मेड सेंटेंस. अब यू कुड हैव की जगह मैं बना सकता था, आई कुड हैव मेड सेंटेंस, तो ऐसे भी बना सकते हैं, या ही कुड हैव मेड सेंटेंस.
मॉडल एथिलीन का एक फायदा ये होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट जो भी हैं, ये सिंगुलर या प्लुरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। इनके लिए मेथड सेम रहता है, इसमें मेथड में कोई भी चेंज नहीं आता, जो स्ट्रक्चर हमारा वो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर विल बी सेम, देयर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बहुत ही मेन है, मेथड अगर आपको पता है तो इसके बाद आप कितने भी सेंटेंसेस में बना सकते हैं, ठीक है, आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये देखो सकते हैं तो कैन, यू कैन मेक, ठीक है, यू कैन मेक सेंटेंसेस, आप सेंटेंस बना सकते हैं, आप सेंटेंस बना सकते थे, यू कुड हैव मेड सेंटेंसेस, मेड आ जाएगा यहाँ पे मेक की थर्ड फॉर्म। तो इस टाइप से आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, आप बता सकते थे, आप वहां जा सकते थे, आप उसकी हेल्प कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, आप उसकी हेल्प कर सकते थे। अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं इसमें। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसमें ज्यादा सेंटेंस हमने नहीं बनाए, देखिए मैं दो ही यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, मैं एक तीसरा सेंटेंस और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते थे, आप आ सकते थे, आप आ सकते थे, यू कुड हैव कम, देखिए यू कुड हैव कम कैसे बनाएंगे, बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, यू कुड हैव कम, आप आ सकते थे। अब रही बात इसी के साथ साथ एक मॉडल एक्सिलरी का एक और मेथड यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुड हैव की जगह हम यूज कर देंगे क्या, शुड हैव, कुड हैव की जगह अगर हम यूज कर दें क्या, शुड हैव, तो भी हमारे उसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो देखिए क्या होगा इसमें, अगर कुड हैव की जगह शुड हैव कर दूंगा तो कैसे इसमें हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए हमने कुड हैव को मिटा दिया, कुड को मिटा दिया मैंने, अब यहाँ पे देखिए should have be three, अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे should have, should have, should have का मतलब होता है should have be three का, चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था। तो कैसे बनाएंगे इसमें सेंटेंस, आपको मुझे बताना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था, यहाँ पे आपको हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे आपको मुझे बताना चाहिए था। शुड मीन्स चाहिए होता है, सजेशन के लिए यूज करते हैं, किसी को सुझाव देना हो, तो यहाँ पे आप, मैं कह रहा हूँ कि आपको मुझे बताना चाहिए था, तो कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव टोल्ड मी, कुड हैव की जगह देखिए बड़ा आसान है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों मेथड्स को कंपेयर करते हुए बता रहा हूँ, यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको देखिए आपको आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, ठीक है, यू शुड हैव कम, आपको हमसे जुड़ना चाहिए था, ठीक है, यू शुड हैव, यू शुड हैव ज्वाइंड अस, ठीक है, इस टाइप से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, आपको कम से कम आपको एक लीटर पानी पीना चाहिए था, या मैं बोलूँ आप कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए था, एटलीस्ट यू शुड हैव ड्रंक 3 to 4 liters ऑफ वाटर, ऐसा करके आप बना सकते हैं। तो यू शुड हैव, आपको चाहिए था, यू शुड हैव के बाद आप आपकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आपको ये मेथड हमें क्या करना चाहिए था, ये मेथड आपको हमें बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड दिस मेथड टू अस, ठीक है, यू शुड हैव टोल्ड दिस मेथड टू अस करके आप इसको बना सकते हैं। आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड टू मी, यू शुड हैव टॉक्ड, टॉक की थर्ड फॉर्म होती है टॉक टू, अब टॉक टू मी, आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड टू मी, ऐसे करके आप सेंटेंसेस में बना सकते हैं। शुड हैव प्लस बी थ्री चाहिए था, कुड हैव प्लस बी थ्री सकते थे या सकता था, इस टाइप से आप इनमें सेंटेंस। और मस्ट हैव प्लस बी थ्री भी यूज होता है, मस्ट हैव प्लस बी थ्री का मतलब है ही चाहिए था, आपको वहां जाना ही चाहिए था, यानी कि जरूरी था आपका वहां जाना, यू मस्ट हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए था, आपको मुझे जरूर बताना चाहिए था, यू शुड हैव, शुड हैव की जगह यू मस्ट हैव टोल्ड मी, यू मस्ट हैव टोल्ड मी, आपको कम से कम मुझे एक बार बताना चाहिए था, एटलीस्ट
यू मस्ट हैव टोल्ड मी वंस, शुड हैव की जगह मस्ट हैव भी यूज कर सकते हैं, और मस्ट हैव का मतलब हो जाएगा चाहिए ही था, यानी कि जरूरी था इस सेंस में, ठीक है। तो ये शुड हैव, कुड हैव और ये हमने यहाँ पे मस्ट हैव के बारे में सीखा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।